भगवान जा रहे हैं, अभी दस दिन से भगवान विराजमान थे, अभी यहाँ से जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? भगवान दस दिन से यहाँ पे विराजमान थे, अभी भगवान जा रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, काफी दुख का भी माहौल है, लेकिन जय जयकार के साथ भगवान का, भगवान अभी विराजमान होकर जा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छे से उनका स्वागत भी किया हमने, अच्छे से उनका विदा भी कर रहे हैं, और अच्छे से हम उनका मतलब शुक्रिया का बहुत अच्छे से किया है हमने उनका, और हम कहना चाहेंगे मतलब सबकी वो दुख की भी घड़ी होती है, सुख की भी घड़ी होती है, और भगवान को बस अच्छे से देखना चाहते हैं हम। अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम जो भगवान जो गणपति विराजमान है यहाँ पे, जो राइट साइड के झुंड वाले है, काफी शुभ माना जाता है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शुभ माना जाता है मतलब शादी फंक्शन के लिए भी, और घर की जो भी शुभ शांति के लिए कहना चाहते हैं सब। आज काफी उत्साह का माहौल है, दस दिन के बाद पापा मोरिया उनके घर जा रहे हैं, काफी जयनाद हो रहा है, पापा मोरिया पापा मोरिया, और काफी उत्साह का चेहरा देख रहे हैं सभी गर्ल्स के साथ, क्या कहना चाहेंगे? काफी उत्साह है। गणपति पापा ही कहना चाहेंगे, बस गणपति पापा के नाम लेना चाहेंगे, गणपति पापा। बाराबंकी में उस समय एक हादसा हो गया जिस वक्त गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पांच लोग कल्याणी नदी में डूब गए। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से पांचों की तलाश शुरू करा दी है। बता दें कि डूबने वालों में एक महिला और चार पुरुष शामिल है। अभी तक एक महिला के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। पूरा मामला बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के सातगंज गाँव का है। मामले में बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद बताया कि एक परिवार ने गणेश प्रतिमा रखी थी और उसी के विसर्जन के लिए कुछ लोग नदी पर पहुंचे थे। वहीं विसर्जन के दौरान उसमें से एक डूबने लगा, तो बाकी लोगों से बचाने की कोशिश में नदी में कूद गए और एक महिला के शव को बरामद कर लिया गया, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। सोनी थाना क्षेत्र के कल्याणी नदी पर पिपरा घाट पे एक परिवार द्वारा गणेश प्रतिमा रखी गई थी, जिसको आज वो विसर्जित करने आए थे। एक ही परिवार के जो मुख्य सदस्य थे वो प्रतिमा को विसर्जित कर रहे थे, इसी दौरान उनका फिसलने से वो नदी में स्लिप कर गए, जिसको बचाने के लिए उनके साथी दो तीन लोग उतरे, उनको बचाने के लिए वो भी डूब गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। टोटल पाँच लोग डूबे हैं, जिसमें महिला को रिकवर कर लिया गया है, उनकी डेड बॉडी रिकवर की गई है, और गोताखोर और फ्लड कंपनी लगी हुई है, पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है, बाकी सभी को भी जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाएगा। यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगा करके सभी जगह चेकिंग की जा रही है पानी में, कि कहाँ कहाँ गड्ढे हैं या ऐसी स्थिति है, उसको चेक कराया जा रहा है। गाँव के 20-25 जन जरूर हैं। अच्छा, कि मूर्ति गणेश जी की थी? हाँ, गणेश जी की मूर्ति थी। कौन लोग लेके आए थे? नारायण भेड़ पाड़क हूँ सर, मतलब उन्हीं को मूर्ति रखे, उन्हीं सब लेके सब आए थे और सब आए थे। तो आपका कौन है इसमें? हमारा लड़का है जी। क्या उम्र होगी? वो 18 साल का लोग। अच्छा, और भी परिवार के लोग है कि और भी लोग, दूसरे परिवार के लोग? नहीं, दूसरे परिवार के हैं, मम्मी पटवा हैं, वही थी। नारायण जो पाड़े जो मूर्ति रखे वही है, ये सब नहीं पता है। अदय जी बताइए कि कितने लोग के डूबने की सूचना है? लगभग पाँच लोग। अच्छा, क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? यहाँ छोटी सी एक प्रतिमा थी, करीब 1.5 फुट की, गणेश जी की विसर्जन होती थी। अच्छा, कई स्थानों पे हो रही है। कहाँ पे रखी थी प्रतिमा? फिर कहाँ रखी थी? नारायणगढ़ पांडे। अच्छा, वहाँ से विसर्जन करने के लिए आए थे? वही 10-15 लोग। अच्छा, रेस्क्यू के लिए क्या हो रहा है? अरे, रेस्क्यू पता लगाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? आपके सामने बाढ़ का सीजन चल रहा है, जो मौके के। अच्छा, जो डूबे हैं उसमें क्या कोई औरतें बच्चे हैं क्या? एक औरत है। अच्छा, दो महिला जिनके यहाँ प्रोग्राम था। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पांच लोग नदी में डूब गए थे, एक की लाश को ढूंढ लिया गया था, क्या बाकी चार लोगों को भी ढूंढ लिया गया है?
देखिए पारुल बता दूं, जन सैलाब काफी है नदी में, जिसके चलते रेस्क्यू में जरूर समस्याएं आ रही हैं। फिलहाल यहां पर टीमों को लगाया गया है, अन्य टीमें बुलाई गई हैं। अभी महिला का ही शव बरामद हो पाया है, क्योंकि काफी गहरा पानी है और जो बरसात लगातार हुई है उसके चलते भी लगातार अगल बगल भी जल भरा है, जिसके चलते रेस्क्यू में ज्यादा समस्याएं आ रही। फिलहाल लगातार टीमें लगी हुई है। अभी की अपडेट है केवल महिला का शव बरामद हुआ है, अन्य चार लोग लापता है, जिसमें एक 18 वर्षीय एक युवक भी है। जी पारुल बिल्कुल रविंद्र, और जो चार लोग अभी भी लापता हैं, कितनी उनकी उम्र थी, कहाँ के वो रहने वाले थे, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए पारुल बता दूं, यहाँ पर 18 साल से लेकर 55 साल आयु के यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं। 18 साल का एक युवक है, बाकी 55 साल के हैं, 80 साल के हैं, ऐसे ही 5 व्यक्ति हैं। एक ही परिवार में एक मूर्ति रखी गई थी, एक गणेश प्रतिमा रखी गई थी, जिसको ये जो लोग विसर्जित करने के लिए जा रहे थे, वहां पर एक व्यक्ति जो 55 वर्षीय व्यक्ति है, उसका संतुलन बिगड़ा, उसको बचाने के चक्कर में सभी लोग हादसे का शिकार हुए हैं। पारुल फिलहाल ये सभी लोग जो है 55 साल से लेकर 18 साल की आयु के हैं, और महिला यहाँ पर रिकवर की गई है, मौके पर टीम लगी है, अन्य उच्च अधिकारी जो है यहाँ मौके पर है और लगातार बॉडी को जो है खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं रेस्क्यू टीम द्वारा। बिल्कुल रविंद्र, और देखिए जिस तरह से कल सब जगह पर गणपति का विसर्जन किया गया, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जगह जगह पर किए गए थे, तो फिर इस तरह से ये हादसा क्यों हो गया? क्या वहां पर कोई भी पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे? देखिए पारुल, कोविड के चलते यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर गणेश प्रतिमाएं रखने की अनुमति नहीं थी। ये व्यक्ति जो है अपने घर में ही छोटी सी मूर्ति को लेकर जो है गणेश उत्सव मना रहे थे, और उसी को लेकर एक परिवार के ही लोग केवल आए थे। वहाँ 10-12 लोग थे, जो अन्य लोग वहाँ से चले गए, केवल 5 लोग नदी में उतरे थे, जो लगातार यहाँ पर सभी लोग डूब गए हैं, और बाकी सार्वजनिक तौर पर कोई कार्यक्रम नहीं था, ना ही प्रशासन को इस कार्यक्रम के बारे में, इस विसर्जन के बारे में जानकारी थी, क्योंकि परिवार के लोग हैं, अपनी गाड़ी में बैठे और 5 लोग विसर्जन के लिए चले गए थे। अगर सामूहिक तौर पर सार्वजनिक तौर पर ये कार्यक्रम होते, या अन्य मूर्तियां जाती वहाँ पर काफी भीड़ होती, या अन्य लोग जो अन्य साधनों से जाते वहाँ पर प्रशासन जरूर होता, लेकिन ये लोग घर पे थे, इस वजह से यहाँ कोई जो है प्रशासन को जानकारी नहीं थी फिलहाल। पारुल जी चलिए रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है, जहां पर गणपति विसर्जन के दौरान नदी में 5 लोग डूब गए, ऐसे में 5 लोग एक ही परिवार के थे, हालांकि एक महिला के शव को ढूंढ लिया गया है, महिला के शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बाकी जो 4 लोग हैं उनकी तलाश अभी भी की जा रही है, अभी उन 4 लोगों का कुछ भी नहीं पता चल पाया है। रामपुर से एक वीडियो सामने आया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें वायरल वीडियो में एक युवक चारपाई से बंधा हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र के दोकपुरी टांडा गांव का है, जहां ससुराल आए दामाद को ससुराल वालों ने चारपाई से बांध दिया। बता दें कि युवक अपनी नाराज पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल गया था, जहाँ कहासुनी के बाद मामले ने तूल पकड़ा, तो ससुराल वालों ने दामाद को रस्सी से बांध दिया, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। बता दें उत्तराखंड के महेशपुरा निवासी एक युवक की शादी 2 साल पहले रामपुर निवासी युवती से हुई थी, और करीब 15 दिन पहले युवक की पत्नी किसी बात से नाराज होकर अपने मायके चली गई थी, जहां पत्नी को बुलाने पहुंचे युवक को ससुराल वालों ने चारपाई से बांध दिया, और मामले में आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची, तो ससुराल वालों ने रस्सियां खोल दी और युवक मौका पाकर गांव से फरार हो गया। लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्ण नगर में थाना प्रभारी अनिल कुमार सैनी ने नगर के व्यापार मंडल के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और व्यापारियों से आपसी सामंजस्य बनाए रखने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर दुकानों से हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए थाना प्रभारी ने रात्रि गश्त करने के भी निर्देश दिए, और इस दौरान नगर के दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे।
नोएडा के सेक्टर 24 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच वहां पर मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। वहीं घायल बदमाश को पुलिस ने एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि फरार हुए बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। बता दें कि बदमाशों के कब्जे से एक स्कूटी, लूट के 3 मोबाइल और 1 तमंचा बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश सुभाष गाजियाबाद के खोड़ा का निवासी है, जो अपने साथी के साथ मिलकर मोबाइल की लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस बदमाशों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रही है। देखिए, जो पिछले दिनों अभी लगातार हमारा अभियान स्नेचर्स के विरुद्ध चल रहा है, उसमें बहुत सारे गैंग्स हम लोगों ने पकड़े हैं, अभी तक बहुत सारी बरामदगियाँ भी हुई हैं। और जितने सारे गैंग्स हैं, इसमें से ज़्यादातर कमिश्नरेट के आसपास के जनपदों में रहने वाले हैं। आपने देखा होगा, खोड़ा में भी हम लोगों ने अभियान चलाया था। इसी क्रम में हमारे यहाँ एक स्नैचिंग हुई थी जून में, सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में। उसका एक मुलजिम था, उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली थी कि वो आज पुनः इधर कहीं ना कहीं स्नैच करेगा। हम लोगों ने इनपुट के आधार पर अपनी घेराबंदी की थी और आज इस नाले पर दोनों तरफ से घेराबंदी में वो एक तरह से कहीं भाग नहीं सका और उसने अपने आप को घिरा देखा और पुलिस के ऊपर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ है, उसको तत्काल हम लोगों ने भेजा है। ये इसका नाम सुभाष नेगी है। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा स्नैचिंग के मुकदमे हैं और ये हमारे यहाँ वांटेड चल रहा था। इसके पोजीशन से हम लोगों ने तीनों मोबाइल स्नैच्ड मोबाइल ही हैं वो बरामद किए हैं। बिजनौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां चंद रुपयों की चोरी की खातिर एक गरीब बुजुर्ग महिला की पड़ोस के ही रहने वाले नशेड़ी ने गला दबोच कर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल सर्विलांस के जरिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरा मामला जिले के सेओहारा के फैजलापुर का बताया जा रहा है, जहाँ 2 दिन पहले एक 70 वर्षीय महिला का शव उसी के घर से बरामद हुआ था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर दी थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सोहारा में एक वृद्ध महिला की लगभग 80 वर्ष की 2 दिन पूर्व हत्या कर दी गई थी। उनके सिर पर चोट थी एवं गले में कपड़ा लपेटा हुआ था, गला घोटा गया था। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, फील्ड यूनिट, स्वास्थ्य सर्विलांस, स्थानीय एसओ, एसपीआरए और वहाँ के क्षेत्राधिकारी द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना की लीड ले लिया एवं खुलासा किया गया। मोटिव यह था कि अभियुक्त द्वारा जो नशा करता था, छोटे सामान चुराने के नियत से घुसा था, क्योंकि महिला को जानता था। महिला जा गई, उनको पहचान लिया, पहले लकड़ी के अभियुक्त से हमला किया, फिर उन्होंने गला घोट दिया। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन अभियान के बीच मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल वहां एक बुजुर्ग को 5 बार वैक्सीन लगाए जाने का मामला सामने आया और तो और 6ठा टीका लगाए जाने की तारीख भी दे दी गई है। इसके साथ ही बुजुर्ग के पास टीका लगने के 3 प्रमाण पत्र भी मौजूद है। पूरा मामला मेरठ के सरना का है, जहाँ पर एक 73 वर्षीय बुजुर्ग चौधरी रामपाल सिंह को 5 बार वैक्सीन लग चुकी है। वही मामले में रामपाल अपनी शिकायत लेकर स्वास्थ्य विभाग ऑफिस और वैक्सीन लगाए जाने संबंधी कागजात देने की मांग की, पर वो चक्कर लगाते रहे पर कोई जानकारी उनके हाथ नहीं लगी। वहीं जब उन्होंने सरकारी वेबसाइट पर चेक किया तो उनके 3 सर्टिफिकेट सामने आए। पहले 2 सर्टिफिकेट में उनके 2 डोज लगी हैं और 3rd सर्टिफिकेट में 1 डोज लगी है, जबकि 6ठी डोज की तारीख 2021 की दे दी जा चुकी है। वही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महराजगंज के नौतनवा में ट्रक चालकों ने एक युवक को मोबाइल चोरी के आरोप में उसे रस्सी से बांधकर जमकर उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, ट्रक चालकों का आरोप है कि युवक खड़ी ट्रकों से मोबाइल चोरी करता था, जिसके चलते शक के आधार पर ट्रक चालकों ने युवक को पकड़कर ट्रक में बांधकर उसकी पिटाई कर दी। वहीं जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना हुई, आनन-फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़वाया और मामले में युवक को पीटने वाले ट्रक
चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। देखिए नौतनवा थाने का दो दिन पहले का मामला है। इसमें एक लड़का मोबाइल चोरी करते हुए ट्रक ड्राइवरों का पकड़ा गया था। उसमें ट्रक ड्राइवरों ने उसको बांध के मारने आदि का वीडियो आया है। लड़के के खिलाफ भी चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया है और जिन ट्रक ड्राइवरों ने उसको मारा है उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।